नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजघाट पर, जहां पर पंजाब केसरी के पूर्व संपादक रहे अश्विनी कुमार चोपड़ा जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहां पर चौपाल समूह के द्वारा तकरीबन 250 महिलाओं को ऋण वितरित किया जा रहा है। और इसके अलावा अश्विनी कुमार चोपड़ा जी ने एक पुस्तक लिखी थी, रोम रोम में राम, उसका भी विमोचन हो रहा है। और इस मौके पर बहुत ही जो बड़े बड़े जो प्रमुख अतिथिगण हैं वो आए हैं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को देखते हैं। पंजाब केसरी के पूर्व चेयरमैन और संपादक अश्विनी चोपड़ा जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी किताब रोम रोम में राम का विमोचन गांधी दर्शन और स्मृति समिति स्थल पर दिनांक 18 जनवरी 2024 में हुआ। इसके साथ ही चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से 133वां चेक वितरण समारोह भी सम्पन्न हुआ, जिसमें अब तक करीब 40,000 गरीब लोगों को ऋण वितरण किया जा चुका है। इस मौके पर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संघ के वरिष्ठ अधिकारी कुलभूषण अहूजा जी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बता दें कि अश्विनी जी ऑलराउंडर थे, एक अच्छे पत्रकार, क्रिकेटर, सफल राजनेता थे। उन्हें हर विषय का ज्ञान था, सारे वेद पढ़े हुए थे, गीता रामायण के श्लोक कंठस्थ थे, आर्य समाजी होने के नाते सभी मंत्र आते थे, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीति और विश्व के भूगोल की पूरी जानकारी थी। अश्विनी जी एक ईमानदार, कर्मठ, अति साधारण और उच्च विचारों वाले स्पष्टवादी सांसद थे, जो लोगों के दिलों में राज करते थे। हर कोई उन्हें अपना समझता था, आज भी लोग उनके अपनेपन को महसूस करते हैं। अश्विनी जी आरएसएस की विचारधारा को मानते थे, परंतु उनके संबंध सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी थे, चाहे मोदी जी हों या सोनिया गांधी। इतने बड़े कद्दावर व्यक्तित्व के स्वामी होते हुए भी वो अपने अंदर एक मासूम और शरारती बच्चे का मन भी रखते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अश्विनी जिंदा दिल इंसान थे। अश्विनी जी की पुस्तक रोम रोम में राम का लोकार्पण इस समय होना अपने आप में अहम है। पूरा देश राममय हो चुका है। 4 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज हम सभी के मित्र अश्विनी जी चोपड़ा की चौथी पुण्यतिथि है, और मुझे याद है कि उनकी जो पहली पुण्यतिथि थी, उस पुण्यतिथि में भी मैं भाग लेने के लिए आया था। तब भी मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि अश्विनी जी हमारे बीच नहीं है, और आज 4 साल बाद भी मेरा यह दिल नहीं मानता है कि वे हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की जीवंतता जिसकी की अभी हमारे भाई रजत जी शर्मा ने चर्चा की है, स्वाभाविक रूप से जब भी अश्विनी जी चोपड़ा का नाम आता है तो उनकी वह जीवंतता, उनकी वह जिंदा दिली हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। दमदार शख्सियत के मालिक थे, इसमें कहीं दो राय नहीं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने बताया कि अश्विनी जी की लेखनी में धार थी। उन्होंने राम जन्मभूमि, राष्ट्रीयता और हिंदुत्व में अपने अखबार को इन विषयों का योद्धा बना दिया। अश्विनी जी तीसरी पीढ़ी थे, उन्होंने पत्रकारिता की द्वारा हिंदुत्व, राम जन्मभूमि, राष्ट्रीयता, अपने अखबार को इन सब विषयों का योद्धा बना दिया। वहीं इस मौके पर किरण चोपड़ा ने कहा कि कितना मुश्किल दिन है आज, 4 साल हो गए हैं अश्विनी जी को गए हुए, हर पल हर सेकंड उनकी याद आती है। उन्होंने कहा कि 2010 में रोम रोम में राम की श्रृंखला चलाई, आज राम मंदिर का सपना पूरा हो चुका है। आज का जो कार्यक्रम है स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा जी की स्मृति में है और चौपाल द्वारा किया गया है। इसमें 250 महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। वो महिलाएँ हैं जो सेवा बस्ती में रहती हैं, ज़रूरतमंद महिलाएँ हैं। आपको मालूम है अगर किसी महिला को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसका शोषण होता है, तो चौपाल एक ऐसी संस्था है जो शोषण को भी रोकती है और उनको अपने पाँव पे खड़ा भी करती है। इस अवसर पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अश्विनी चोपड़ा को याद करते हुए कहा कि मेरे लिए अश्विनी एक सच्चा दोस्त था जिसके साथ मैं खुलकर हंसता था। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। 4 साल अश्विनी को हो गए, लेकिन लगता नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं है। उनके लेख, उनकी बातें, उनकी शरारतें, सब कुछ आज के दिन बहुत याद आती है। और
मुझे लगता है कि उनके जैसी प्रखर वाणी वाले लोग कम होते हैं, उनके जैसी साफ बात करने वाले लोग कम होते हैं और वो कमी हमेशा खली। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अश्विनी जी ऑलराउंडर थे, एक अच्छे पत्रकार, क्रिकेटर, सफल राजनेता थे और आज उनकी स्मृति में 250 महिलाओं को ऋण दिया गया है। कार्यक्रम क्या यार, इतना पवित्र कार्यक्रम है, इतना सात्विक कार्यक्रम है, इतनी महान शख्सियत अश्विनी चोपड़ा जी की पवित्र स्मृति को समर्पित है, जो कट्टर देशभक्त, इतने उच्च कोटि के जर्नलिस्ट, लेखक, स्पोर्ट्स पर्सन भी, और समाज के लिए समाज सेवा के माध्यम से भी उन्होंने और उनकी पत्नी ने और उनकी जनरेशन, फादर, ग्रैंडफादर, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी। ऐसे आदमी की पवित्र स्मृति में कितना बड़ा पवित्र कार्यक्रम हुआ है, 250 महिलाओं को संबल प्रदान किया गया है, उनको अपने पाँव पर खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की गई है। मैं समझता हूँ बहुत सुंदर कार्यक्रम है, शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। चौपाल के सभी साथियों को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं। वहीं संघ के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व में प्रांत के संचालक भी रहे कुलभूषण आहूजा जी ने बताया, चौपाल का ये संकल्प महिलाओं को सशक्त करना एक अच्छी पहल है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं श्री अश्विनी चोपड़ा जी की पुण्य स्मृति में चौपाल के इस कार्यक्रम में आया हूँ, जिसमें लघु ऋण योजना के अंतर्गत 250 बहनों को आज ऋण प्राप्त होगा, जिससे कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकें। और ये ऐसा वर्ग है जो हमेशा ही वंचित रहा है और इनका अधिकतर शोषण ही होता रहा है, और अनसिक्योर्ड लोन देने की जो चौपाल ने एक प्रथा स्टार्ट की है, उसके साथ उनको बड़े सम्मान के साथ जीने का मौका मिल रहा है। और इसके लिए मैं चौपाल वालों को सबको शुभकामनाएं देता हूं